हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं झटपट और आसान तरीके से आलू प्याज के पकौड़े बनाने की आसान सी रेसिपी। आप चाहें तो इसे आलू प्याज की कचरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। इंस्टेंट आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक लंबे टुकड़ों में कटा हुआ आलू, ये दो आलू है मेरे पास, एक मीडियम साइज प्याज जिसे बारीक लंबे टुकड़ों में काट लिया है, बेसन, कड़ी पत्ता, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब एक बोल में हम डाल लेंगे अपने बारीक कटे हुए आलू, दो आलू है मेरे पास, बारीक कटा प्याज, एक मीडियम साइज प्याज है, और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते, आप चाहें तो बारीक कटी हरी धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, तीन छोटे चम्मच बेसन डाल देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से और लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक बार में हमें सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, जब तीन चम्मच बेसन डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे मिक्स करेंगे तो ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर फिर से डाल देंगे दो छोटे चम्मच बेसन, और बेसन भी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं काफी गाढ़ा हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और पानी, ध्यान रखिए पानी धीरे धीरे करके ही डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। ये देखिए, अब ये जो हमारा प्याज टमाटर का बेसन के साथ मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और जैसा हमें पकौड़े बनाने के लिए चाहिए ये एकदम वैसा ही है। ये देखिए, आप हाथ से छोड़ेंगे तो ये आसानी से छूट जा रहा है, बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा है, ये एकदम ठीक है, इससे ज्यादा गीला या इससे ज्यादा सूखा इसको नहीं होना चाहिए। और अब हम लेंगे कढ़ाई और उसे कर लेंगे गरम। ये देखिए, यहाँ पर जो तेल है वो अच्छे से मीडियम आंच पे गरम हो गया है, और अब हम हाथ से इस पकौड़े के बैटर को लेके इस तरह से धीरे धीरे तेल में छोड़ देंगे। इसका कोई एक शेप नहीं होता कि आपको पकौड़ी की तरह बनाना है। ये देखिए, आप हाथ से भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी चम्मच और कांटे की सहायता से भी इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं। जब हमारे पकौड़े ये दो से तीन मिनट एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें हिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये जो पकौड़े हैं ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी और अच्छे से सिक गए हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए और बना लेते हैं। अब हम इन्हें डालेंगे कांटे की सहायता से इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से भी बड़ी आसानी से आप इन पकौड़ों को फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है झटपट और आसान तरीके से आलू प्याज के पकोड़े। आप चाहें तो इन्हें आलू प्याज की कचरी भी बोल सकते हैं। और अब हम इनके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है झटपट और आसान तरीके से आलू प्याज के पकौड़े। आप इन्हें बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है
तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।